बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से अपनी 60वीं मुलाकात में मानसून और नागरी विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। यहां महापौर जयवंत सुतार, सुधाकर सोनाव ने, वरिष्ठ नगर सेवक दशरथ भगत, अनंत सुतार, रविन्द्र थापे, डॉक्टर जयाजनाथ समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने शहर की विकास बाधाओं को दूर करने, आयुक्त को नई सरकार के संबंधित मंत्रियों को हर हफ्ते नई में बुलाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री आते हैं तो उनके विभागों से जुड़े मसलों का समाधान करना आसान होगा। ये आयुक्त महोदय को मैंने ये बोला है कि भाई अपने शहर की जो समस्या है, जो नगर विकास से कनेक्टेड होगी, पर्यावरण से होगी, MIDC से होगी, UDC से होगी, MSEB से होगी, वो सब समस्या का आप लिस्ट बनाओ। एक बार मंत्रिमंडल स्टेबल होने के बाद वो माननीय मंत्री महोदय को आमदार के तौर पे मैं उनको विनंती करके एक एक दिन के लिए, एक बार आगे तो बाद में हमेशा आने की जरूरत नहीं, एक ही बार समस्या खत्म हो जाएगी। जितनी समस्या समझो 10 डिपार्टमेंट की है तो 10 डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय को मैं विनंती करूंगा और उनको यहाँ आने के लिए उनको आमंत्रित करूंगा। चर्चा के दौरान NMMT परिवहन निगम में बसों की आउटसोर्सिंग कराने, एजेंसी के जरिए कंडक्टरों की नियुक्ति की योजना और मनपा स्कूलों के लिए 150 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा सबसे अधिक सुर्खियों में रहा। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने कहा कि परिवहन और शैक्षणिक उपक्रमों से जुड़े दोनों निर्णय महत्वपूर्ण हैं, जिसे महासभा के बिना मंजूरी देना अवैधानिक है। उन्होंने दोनों प्रशासकीय प्रस्तावों को तत्काल रद्द करने की मांग की। कैंसर एक सेंटर बना के प्रिलिमरी स्टेज पे उधर उनको दवा पानी देने का काम आपने महापालिका ओर से होना चाहिए, और जो आपने महापालिका के जो कैंसर पेशेंट रहेंगे, जो BPL के नीचे आते हैं, ऐसे लोगों को टाटा में भेज के उनका खर्चा भी बिल का महापालिका करे, ऐसी मैंने उनको सूचना की और उन्होंने तत्वता मान्य की है, उसको एक बार फ्रेम करने की जरूरत है। तो CBSE स्कूलों में जो टीचर्स की भर्ती के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट निकालने का जो मसला है, वो मेरे कान तक आने के बाद में मैंने पत्र भी दिया है और आज चर्चा में उनको बताया, ये पॉलिसी मैटर है, ये धोरणात्मक निर्णय प्रशासन कालखंड में नहीं लिया जा सकता, इसको स्थगित कर दे दो। रहा सवाल जो अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से परिवहन में अपन बसेस लाई है, बस उसकी पेट्रोल डीजल गैस उसका, ड्राइवर भी उसका, खाली कंडक्टर अपना है, वो कंडक्टर के लिए भर्ती करने के लिए कोई एजेंसी को अपॉइंट करने का मैंने सुना, मैंने पत्र, लोगों ने मुझे पत्र दिया, मैंने कवरिंग लेटर के साथ उनको पत्र भी दिया और उसको भी स्थगित देने को उनको बोला है और उन्हें स्थगित देने का कबूल किया। इस अवसर पर दशरथ भगत समेत कई नगर सेवकों ने विधायक गणेश नाइक का सत्कार किया, जो निरंतर 2 वर्षों से जनता की समस्याओं को लेकर आयुक्त से मिलते रहे हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नगर सेवक दशरथ भगत ने आयुक्त अभिजीत बांगर का 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें सुंदरता और सुगंध के प्रतीक रूप में गुलाब और चंपा पुष्प देकर सत्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।